दर्शकों, क्या कभी आपने गाय की गोबर से बनी चप्पल के बारे में सुना है? काफ़ी अजीब लग रहा होगा आपको सुनकर, क्योंकि ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जो कि गाय के गोबर से बना हुआ हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी में देसी गाय के गोबर से बनी चप्पल काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लोग काफ़ी आ रहे हैं और देख रहे हैं इस चप्पल को कि किस तरह की चप्पल होगी जो कि गाय के गोबर से बनी है। और इस चप्पल की खास बात यह है कि ये कई बीमारियों को दूर भी करती है। तो अभी हम पशुपालन विभाग के प्रदर्शनी के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो है वो गाय के गोबर से बनी चप्पल है और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी लोगों की काफ़ी जिज्ञासा भी है इस चप्पल को लेकर। और जैसा कि मुझे भी पता चला तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसे भी कोई उत्पाद हो सकता है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को भी बताया जाए इन चप्पल के बारे में। तो आइए थोड़ा सा हम इनकी खासियत भी जानेंगे और साथ ही और भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि की रिंग है शायद, वो भी ये भी गाय के गोबर से ही बने हुए हैं। तो थोड़ा सा हम इस चप्पल के बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल मंडी, जहां शिक्षा और संस्कार साथ साथ दिए जाते हैं। एडमिशन्स जारी हैं। तो अभी हमारे साथ करण सिंह जी हैं और इनसे हम जानते हैं कि इस चप्पल की क्या खासियत है और किन चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ये भी हम जानेंगे कि इन किन बीमारियों से इससे बचाव होगा। करण जी, थोड़ा सा बताएं। जी मैडम, ये पूरी तरह गोबर से बनी हुई है, इसमें नेचुरल ऑयल है और इसको गोबर को रिफाइंडिंग करके मशीन में कंप्रेस करके बनाया हुआ है। इसका उपयोग हमारा ऐसा है कि जैसे हम घर में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना इसका अल्टरनेटिव क्यों ना इसी को यूज़ कर लें। तो फिर फ़ायदा इसका ऐसा है कि हाई लोड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और आपका मांसपेशियों में खिंचाव होता है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन जिसमें होता है उसको लो मतलब पूरी तरह कंट्रोल करता है। ये कहाँ बन के आई? जी हमारे फिलहाल वैदिक वस्त्र संस्था है नीचे हरियाणा से, वहाँ से बन के आ रही है। तो इनमें जैसे पानी वगैरह अगर इस पे जाएगा तो ये तो गीली हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी कुछ क्या? नहीं, पानी का ऐसा है कि 10 से 15 मिनट इसको यूज़ कर सकते हैं पानी में, बाकी धूप में सुखा लो, दूसरे दिन फिर से पहन लो। तो दर्शकों, यहाँ केवल चप्पल ही नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गोबर से बनी हुई हैं। आप सामने देख सकते हैं जो गणेश की मूर्ति आपको दिख रही है, ये भी गोबर से बनी हुई है और इसके साथ ही जो वैदिक कलर है वो भी कलर है जो कि गाय के गोबर से बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये ईंट है और ये भी गाय के गोबर से बनी और काफ़ी भारी है ये, और ये जो है वैदिक कलर है जो मैंने बताया था ये भी गाय के गोबर से बना है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि गाय के गोबर से बनी हुई है। ऐसी आपके पास सिर्फ एक ही चप्पल है? सिर्फ जी ये खाली एग्जीबिशन के लिए लाई हमें, ताकि हम हिमाचल की जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि गोबर से भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो लोग आपसे डिमांड भी कर रहे होंगे कि ऐसी चप्पल हमें चाहिए कुछ? जी जी बहुत डिमांड है हमारे पास, अभी हम उनका अपना इंक्वायरी में डाल रहे हैं, फिर उनको ऑर्डर में दे देंगे। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।